ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि कॉम्बिनेशन जो है वो चार टाइप के होते हैं, नॉकआउट कम नॉकआउट, नॉकआउट कम लीग, क्योंकि हमने नॉकआउट से स्टार्ट किया इसलिए हमें लीग बाद में आएगा, देन लीग कम नॉकआउट एंड लीग कम लीग। इसमें डिवीजन क्या होती है, चार टीम्स को कर दिया जाता है, उनमें ग्रुप्स, वो चार ग्रुप्स में आपस में जितनी टीम्स हैं, जैसे ये वाली टीम थी चार में किया ना क्वार्टर में, अब ये टीमें आपस में फाइट करेंगे टू विन, और इनमें से जो विनर्स होंगे उन्हीं का फिर से, ठीक है। ये तो वैसे क्वार्टर दिखाया है, अदरवाइज ग्रुप वाइज काफी टीमों को डिवाइड कर दिया जाता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। बेटा इसका है प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन, क्योंकि सोलेबल कार्बन हाइड्रोजन और वाटर का बना है, ये सबने गलत किया है, बाकी है प्रोटीन पे है, ठीक है, विटामिन डी या कैल्शियम पे है, टीथ एंड हेयर, ये इसलिए ये वाला आंसर करेक्ट था, जो शायद आपको पता नहीं था, पता ही नहीं था, पंजाबी च कहते तुक्का ही लाया से। व्हाट इज द अनदर नेम फॉर विटामिन B2। वो सिर्फ एक ऑलमोस्ट सबका ही ठीक था, रिबोफ्लाविन, वो भी मेडिकल वालों का आई थिंक ज्यादा था कंपैरेटिवली, क्योंकि उसके विटामिन वगैरह पढ़ाए जाते हैं, विटामिन 1 2 3, वो 1 2 है, उसके बाद 6 है 12 है, ये है वो। हां जी बच्चे, सेवन का आंसर रिबो डी वाला है, रिबोफ्लाविन, ठीक है। विच इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग बैलेंस डाइट। अब यहां पर बच्चों को कंफ्यूजन रह गई है, बैलेंस डाइट तो वो बोल रहा है, इसका मतलब डाइट को तो वो इंक्लूड अपने आप ही कर रहा है, उसे कैसे टिक करना था हमने, ठीक है ना। और हमेशा जो बैलेंस डाइट होती है या जो भी है उसमें एज फैक्टर भी काउंट होता है, मैंने आपको वही बताया था, उस दिन एग्जाम्पल भी दिया था कि हर एक का कैपेसिटी जो है कंज्यूम करने की या वर्कआउट के अकॉर्डिंग होता है, अकॉर्डिंग टू 45 या 50 के बाद डिटेरियरेशन वैसे ही बॉडी में आ जाती है, हमारी भूख जो है वर्किंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, भूख भी कम लगती है, या सब कुछ। यहाँ पर हेरिडिटरी हमेशा काउंट होता है हर चीज में, जीन्स ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम द पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो ये क्या, कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं है, वो है हेल्थ। हेल्थ चाहे कैसे भी है, हम उसको हेल्थ में ही काउंट करते हैं, उसको इसमें कभी भी नहीं काउंट, इसलिए इसका आंसर था सी, ठीक है बच्चे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज देयर, दैट क्वेश्चन वाज द कॉज ऑफ फूड इनटॉलरेंस। अब ये क्वेश्चन पहले तो है, फूड इनटॉलरेंस क्या होता है और फूड एलर्जी क्या होता है, दो चीजें हैं बेटा, फूड एलर्जी क्या है, फूड इनटॉलरेंस क्या है। एलर्जी जो चीजें होती हैं वो हमेशा तुम्हें इफेक्ट्स जो है उसके साथ और भी इफेक्ट्स आते हैं हमेशा, ठीक है ना। मुझे एलर्जी है, जैसे कईयों को होती है हाथों पे कोई चीज लगा लें इमिडिएट बॉयल्स बन जाने या कुछ है, ये है इनटॉलरेंस का मतलब, डाइजेस्ट ही नहीं होना, ठीक है ना, उसको बॉडी ने अंदर ही नहीं जाने देना, उसने उसे बाहर निकालने का कोई भी फॉर्म कर देना है। एलर्जी जो है वो अंदर तो चली जाएगी एब्जॉर्ब भी, लेकिन उसके साथ उसके साइड इफेक्ट्स भी आएंगे, ये फर्क है। तुम ऐसे कर, दिस इज अ डिफरेंस, अदरवाइज जो मैंने पहले बोला था तुम्हें लगा तो उसमें क्या, ठीक है ना। हम खा लेते हैं कई बार, होता है ना दही भले देखे, या पंजाबियों को जो है ना ये सब कुछ खा लिया, कॉम्बिनेशन जो होते हैं कई फूड के नहीं होते हैं, हम फिर भी खा लेते हैं, उसका फिर हमें इफेक्ट जो है वो कब अगले दिन दिखता है, जब पेट दर्द होता है, लूज मोशन है, फूड पॉइजनिंग का होना, ये सारी चीजें उसके अंदर भी इंक्लूड होती है। इन द सेम वे इनटॉलरेंस में क्या होता है, वो हमें अंदर ही नहीं जाने देता, वॉमिट आउट का पहले ही स्टार्ट। यहाँ पर जो कॉजेज हैं दोज आर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है बेटा, ये सारे ही कारण हो सकते हैं। नाउ डैश इज अ नॉन न्यूट्रिटिव कंपाउंड ऑफ डाइट। मैंने उस दिन आपको पहले भी बताया था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और न्यूट्रिटिव क्या होता है, देयर इज अ डिफरेंस। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की मैंने अपनी तरफ से
एब्रीवेशन ली थी, इट्स नॉट नेसेसरी फॉर एवरीवन, बट आई गेव यू सी डी सी, शायद यही थी कंज्यूम करना, डाइजेस्ट करना और सर्कुलेट करना इन द होल बॉडी द जूस। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है पहले किसी चीज को खाना, उसे डाइजेस्ट करना, उसके बाद उसका जो बेकार है वो बाहर आना और बाकी जो जूस बना हुआ है उसे पूरी बॉडी में ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करना, सी डी सी। ठीक है, अब न्यूट्रिटिव क्या है? वो कंपाउंड्स जो हमारी बॉडी में फूड के अंदर होते हैं उसे ले लेना। दैट्स व्हाई वी यूजुअली से ना दीज आर हैविंग अ न्यूट्रिटिव वैल्यूज, उन्हें हमने ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद उसे यूज करना। इसीलिए भोजन उस तरीके का, बादाम खाओ, काजू खाओ, ये खाओ, अखरोट खाओ, उससे दिमाग, इसका मतलब उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यूज ज्यादा है, हम इसलिए करते हैं। इतनी बात क्लियर होगी बेटा? ये तो था आपका टेस्ट जो हमने डिस्कस किया है। फर्दर आपको क्वेश्चनिंग करती हूँ मैं, अगर नहीं आएगा, क्योंकि बुक्स अलग अलग हमने भी रेफर करनी होती है बच्चों को, इसलिए हमें ये बताना होगा। क्या आप बता सकते हो व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ नॉकआउट सिस्टम? नॉकआउट सिस्टम के डीमेरिट्स क्या होते हैं? पहले तो डीमेरिट्स किसको बोलते हैं पता ही है, डिसएडवांटेजेस, नुकसान कह लो, या बहुत लाभ ना होना, किसी चीज का बेनिफिट ना मिलना। अब नॉकआउट सिस्टम है क्या? हाँ जी बच्चे, हाँ ओके, आप बताओ ईशान कोई पॉइंट। नॉकआउट सिस्टम है क्या? पहले अदर से उसका सेकंड नेम क्या है वो भी बता दो। ये तो शायद फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है। एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज नॉकआउट? वेरी, एलिमिनेट हो जाना। जैसे जैसे टीम्स खेलती जाएंगी, जितनी टीम्स हैं उनमें से हारी हुई टीम को बाहर निकालना, बाहर निकल जाती हैं, उसे हम कहते हैं नॉकआउट सिस्टम। ठीक है, इसके बेनिफिट्स बहुत हैं, टाइम कम लगता है, ऑफिशियल कम, फंडिंग कम, वो ऑर्गेनाइज करने में भी इजीली है, सब कुछ है। लेकिन इसके डीमेरिट्स ये हैं कि जो बेस्ट टीम है, बाकियों पर भी होता है, पर स्ट्रेस लेवल उनका ज्यादा बना होता है कि कहीं हम हार ना जाएं या हमारी परफॉर्मेंस। कई बार ऐसे होता है कि उसका वो प्लेयर जो है मेन प्लेयर उस दिन नहीं लीग में होता है ना, कंटिन्यू आ रहे हैं या सब्स्टिट्यूट में कर दिया या यहाँ वहां, तो क्या है इसमें स्ट्रेस लेवल का बढ़ना, परफॉर्मेंसेस कई बार स्ट्रेस के कारण ज्यादा अच्छी नहीं देना माइंड में। हाँ जी बच्चे, हाँ उससे क्या होता है फिर जब अच्छी टीमें निकल गई तो लोगों ने भी उठकर चले जाना, पता ही है ना, बांग्लादेश का इंडिया के साथ या बांग्लादेश का ऑस्ट्रेलिया के साथ कराओगे तो बेचारे, पता ही है। ठीक है, और कई बार परफॉर्मेंस अच्छी भी होती है, ऐसी बात नहीं, लेकिन एक कंपैरेटिवली। ठीक है, इसलिए इसका जो है वो डीमेरिट्स क्या होंगी नॉर्मली, इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट, पेपर के पीछे जगह है बेटे वहां लिख ले जो लिखना है, नहीं लिखना तो कोई गल नहीं, एज यू विश बेटा, कोई चीज भी जरूरी नहीं है। नॉकआउट का क्या क्या है? स्ट्रेस लेवल को बढ़ाता है, पब्लिक इंटरेस्ट लूज हो जाता है, बेस्ट टीम अंडर प्रेशर आके अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है। अब आदित्य जी आपको समझाएंगे कि फिक्स्चर किसको कहते हैं। यस टेल मी बेटा, व्हाट इज फिक्स्चर? शायद आपके 29 से प्री बोर्ड हैं एंड यू हैव टेकन दिस सब्जेक्ट कि ये कंपैरेटिवली हमारे लिए इजी है, बट स्टिल यू आर नॉट गिविंग योर बेस्ट, क्या अपना दे ही नहीं रहे, घर में थे तो ऑनलाइन काम कर लिया, अब खत्म हो गया। व्हाट इज फिक्स्चर? एनी वन ऑफ यू, अरेंजिंग मतलब इन व्हाट वे, फिक्स्चर क्या है, अरेंजिंग क्या है, फिक्स्चर किसको बोलेंगे? सबसे पहला है चैप्टर का
शायद अगर खोली हो किताब बेचारी तो खोली है क्या है फिर फिक्स्चर किसको कह रहे और कोई क्वेश्चन है इसमें टूर्नामेंट किसको कहते हैं राइट डाउन द क्वेश्चन और इसके आंसर व्हाट इज टूर्नामेंट टूर्नामेंट क्या है ये असाइनमेंट देनी ही पड़ेगी तुम्हें लगता है टूर्नामेंट इसके पीछे लिख लो क्वेश्चन जो है आपके पास व्हाट इज टूर्नामेंट व्हाट इज फिक्स्चर आप बताओ टूर्नामेंट क्या है माधव आप बताओ बेटा टूर्नामेंट क्या होगा सीरीज ऑफ मैचेस बिटवीन द डिफरेंट टीम्स टू गेट द विनर ठीक है फिक्स्चर क्या है सॉर्ट आउट द टीम्स एंड विद द स्पेस टाइम एंड एवरीथिंग सो दैट देयर इज नो मिस्टेक इन डूइंग द और स्मूथली मूविंग ऑफ द टूर्नामेंट राउंड रॉबिन का नेक्स्ट नेम क्या है राउंड रॉबिन को और किस नाम से पुकारा जाता है राउंड रॉबिन को और किस नाम से पुकारा जाता है हैं? ऑप्शन नहीं है ये मैंने क्वेश्चन पूछा क्योंकि सब्जेक्टिव भी तो आएगा ही तुम्हारा सिर्फ वो तो नहीं आएगा राउंड रॉबिन किसको कहते हैं और उसका और कौन सा नेम है हाँ क्या बोल रहे बेटा राउंड रॉबिन को और किस नाम किसका नेम है कौन से टूर्नामेंट का नेम है राउंड रॉबिन लीग मैचेस आर आल्सो कॉल्ड एज अ राउंड रॉबिन जैसे नॉकआउट को इलिमिनेटेड बोलते हैं बाहर निकलना ठीक है अब एक वर्ड जो आपने लीग मैचेस में बताया था मैंने दो टाइप के होते हैं बेटा एक सिंगल लीग है एक डबल लीग है ठीक है सिंगल लीग में हर एक टीम हर दूसरी टीम के साथ चाहे वो हारी है चाहे जीती है उसने मैच खेलना है एक बार और डबल में ऑब्वियसली दो दो बार टू गिव देयर परफॉर्मेंस ठीक है अब इसमें एक चीज और आती है वो है ब्रिटिश लीग राउंड ये लिखो क्या है राइट डाउन वर्ड ब्रिटिश लीग मैथड इसमें होता है टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल पॉइंट इसका लिखो टोटल पॉइंट्स ऑब्टेन यानी कि तुमने कितने लिए मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर द टोटल पॉसिबल पॉइंट अब ये क्या चीज है इसको क्या समझोगे शायद मैंने तुम्हें ना एक टेबल बना के दिखाया था कि हम लीग मैचेस में पॉइंट्स कैसे काउंट करते हैं नंबर ऑफ नेम ऑफ द टीम ठीक है नेम ऑफ द टीम्स जो भी हैं मान लो 1 2 3 4 है हमारे पास ठीक है अब इसके मैच प्लेट्स इन्होंने कितने मैच खेले ठीक है इसने विन कितने किए हैं इसने लूज कितने किए हैं इसने ड्रॉ कितने हुए हैं उसके बाद हम इनके टोटल पॉइंट्स लेते हैं ठीक है मान लो ये चार टीमें हैं उससे हमने चार ही मैच करवाने हैं इसने चार मैच खेले हैं इसमें से इसने दो मैच जीते हैं एक ऑब्वियसली अगर दो जीते हैं वैसे तो लूज दो होने लेकिन हो सकता है उसमें से एक मैच इसने ड्रॉ कर लिया और एक मैच फिर क्या होगा चारों के टोटल करना है तो दो एक यहाँ पर इसका मतलब ये क्या हो गया एक मैच उसने लूज किया है वहां पर नंबर लिखे होते हैं विनिंग टीम को 3 नंबर मिलेंगे ड्रॉ टीम को 1 नंबर मिलेगा लूज टीम को 0 ऑब्वियसली अब हमने क्या करना है इसने दो मैच जीते हैं 6 पॉइंट्स प्लस
प्लस एक ड्रॉ जीता है, इसका मतलब इसने टोटल 7, ठीक है ना, इसके मैचेस। अब ये ऑप्टेन है, इसके ये ऑप्टेन है, नीचे क्या लिखा हुआ है, तुमने नीचे क्या लिखा है बेटा, टोटल पॉसिबल पॉइंट्स, चार नू असी क्योंकि चार मैचेस करें हैं, चार को अगर हम तीन से करें तो 12, यानी कि 12 पॉसिबल पॉइंट्स हैं जिसमें से उसने 7 पॉसिबल जो है ऑप्टेन किए हैं। हमने उसको क्या करना है, 7 × 100 / 12, समझ आ गई बेटा, इसको क्या कहते हैं बेटे। एक बात ध्यान रखो, जब स्कूल आए हो क्लास में आए ना, उस टाइम को यहाँ पे दे दो, ये बातें तो तुम फोन पे घर पे वैसे भी अगर नहीं है इंटरेस्ट तो फिर क्लास से बाहर, दो ही चीजें हैं। देन व्हाई यू आर सिटिंग एंड वेस्टिंग योर टाइम। मान लो नेम ऑफ टीम्स है 1, 2, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4 हमने लिखा है, इनके फिर चारों के चार मैचेस होंगे सिंपल, किसी भी वैसे लीग में है तो इनके आपस में भी सिंपल है तो ज्यादा होंगे वैसे भी। मान लो हम सपोज कर रहे हैं कि ये 4 मैचेस हुए, 4 में से पहली टीम ने 2 मैच जीत लिए, ठीक है, एक मैच हारा है और एक ड्रॉ किया है। हमने इसके पॉइंट्स कैसे लिखने हैं, विनर टीम के जितने पॉइंट्स देते हैं वो पॉइंट यहाँ पर काउंट होंगे, लूज वाले में उसको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, ड्रॉ में हमेशा एक एक पॉइंट, मतलब दोनों शेयरिंग हो जाती है टीम्स की। तो इसके क्या हो गया, 2 मैचेस इसने जीते हैं, 1 मैच इसने ड्रॉ किया है, इसके हो गए 7 पॉइंट की काउंटिंग हम ऐसे करते हैं, जितने मैचेस के उन्होंने पॉसिबल हमें दिए होंगे हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। नाउ इट इज क्लियर बेटा। अब एक इसमें एक और लीग में ना एक और मेथड होता है जिसके द्वारा पॉइंट्स को काउंट किया जाता है, एक ब्रिटिश वे है एक अमेरिकन वे है, राइट डाउन द अमेरिकन वे आल्सो, हो सकता है एमसीक्यू में यही सिर्फ आ जाए। उसमें बहुत सिंपल होता है, मैचेस 1 मतलब कितने मैचेस जीते मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय मैचेस प्लेड, मैचेस कितने खेले हैं उसमें से सिर्फ कितने जीते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, ये अमेरिकन स्टाइल है। दूसरा स्टाइल जो है वो है पॉसिबल में से कितने ऑप्टेन, ये दोनों अलग अलग मेथड है और ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं, ठीक है, हमने इस चीज को सीखा है। सीडिंग और बाय में क्या फर्क है बच्चे, सीडिंग और बाय क्या होता है, स्टेप टू नेक्स्ट राउंड, ठीक है, उसका फर्स्ट राउंड जो है वो नहीं खेलते। अब राउंड कैसे पता चले कि एक मैच के कितने राउंड है, उसको कैसे पता चलता है, और नॉकआउट में हम कैसे करेंगे कि ये कितने राउंड है, कौन बताएगा, हाँ पावर ऑफ 2, जैसे इसका हमने किया ना, इसका हमने कहाँ पे किया, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 2 × 4 = 8, 8 × 16 = 32 है ना, ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 राउंड होंगे, 5 राउंड का ही मैच होगा, ठीक है।